नमस्कार प्रिय बच्चों, हम सना सना हाथ जोड़ी जो कि प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है मधु काकरिया जी का, वो पढ़ रहे हैं। हमने जाना कि लेखिका जितेन नारगे के साथ युमथांग के रास्ते पर निकल पड़ी हैं अपने साथियों के साथ जीप में सवार होके, और रास्ते में उन्हें प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं वहाँ के जनजीवन से जुड़ी हुई अनेक बातें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और नारगे जिसे वहाँ के बारे में लगभग काफ़ी कुछ जानकारी है, वे उनका एक तरह से मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, रास्ते में एक कुटिया में जब लेखिका को एक घूमता हुआ चक्र दिखाई देता है तो वह जितेन नारगे से पूछ बैठती है कि यह क्या है। नारगे बताता है कि यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अब आगे देखिए, क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी, लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। नारगे ने जैसे ही बताया कि ये धर्म चक्र है और उसको घुमाने से पाप धुल जाते हैं, तो लेखिका के मन में ये विचार आया कि चाहे भारत का कोई सा भी कोना हो, चाहे हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कहीं भी चले जाएं, लोगों की आस्थाएं, विश्वास और अंधविश्वास, पाप पुण्य की जो अवधारणाएं हैं, कल्पनाएं हैं, उनमें हम जो है बहुत फ़र्क नहीं पाते हैं, वे लगभग एक जैसी ही हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अगर उत्तर में हम देखते हैं तो लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं और उनका विश्वास है बेटा कि वो लोग मानते हैं कि गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसे ही कई तरह के अंधविश्वास हमारे समाज में प्रचलित हैं, जो कि कहें कि हमारी धार्मिक आस्थाओं, मान्यताओं और हमारे विश्वासों से जुड़े हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसे विश्वास हैं जो भारत के हम किसी एक कोने में नहीं अपितु सर्वत्र ही किसी न किसी रूप में प्राप्त कर लेते हैं। रफ्ता रफ्ता हम ऊँचाई की ओर बढ़ने लगे, बाजार, लोग, बस्तियाँ पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य के चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियाँ और पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बोने से दिखने बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह छोटे पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटानियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। लेखिका अब अपनी यात्रा में बेटा आगे बढ़ रही हैं और कहें कि जो बस्तियां हैं, मनुष्य के जो आवासीय स्थल हैं, वो पीछे छूटते जा रहे हैं और वो विशाल हिमालय की तलहटी से ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। अब नेपाली जो लोग हैं वो पीछे छूट गए हैं और वे आगे बढ़ने के क्रम में बता रही हैं कि किस प्रकार हिमालय अपने परिवर्तित रूप के साथ उनके समक्ष उपस्थित है। कि जहाँ हिमालय दूर से छोटी छोटी पर्वत, छोटे छोटे पर्वतों के रूप में दिखाई देता था, अब वो अपने विशालाकार रूप में दिखाई देने लगा है, क्योंकि लेखिका जो है काफ़ी कुछ हिमालय के पहाड़ों के पास आ गई हैं। और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा, घटाएँ गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियाँ चौड़ी होने लगी, बीच बीच के में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। बहुत ही सुरम्य प्राकृतिक वातावरण का वर्णन यहाँ लेखिका ने किया है कि अब जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे हैं, ऊँचाई की ओर बढ़ रहे हैं, तो जो रास्ते हैं वे सकड़े हो गए हैं, मतलब अब रास्ते चौड़े नहीं हैं क्योंकि पहाड़ों को काट करके रास्ते बनाए गए हैं और इतने ज़्यादा उनमें घुमाव हैं, ऐसे लगता है जैसे जलेबी के अंदर घुमाव होते हों। हिमालय पास से देखने पर बहुत ही विशालकाय दिखने लगा है। अब ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो जो घाटियाँ हैं वो गहराई उनकी पता लग रही है कि वो ऐसे लग रहा है मानो जैसे पाताल को नाप रही हूँ, और कहीं कहीं बहुत ही तीव्रता और प्रबलता के साथ देखें तो बड़े बड़े फूलों के जो हैं झुंड जो है वो दिखाई दे रहे हैं उनको ऊपर से। तो कहने का मतलब बहुत ही प्राकृतिक और सुंदरतापूर्ण वातावरण है और लेखिका जो है इसी को देखते हुए आगे बढ़ रही हैं। अब देखिए,
इन बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। वो यही कह रहे हैं कि इतना सुंदर वातावरण है कि मन को भी अंदर तक छू जाता है, और ये मानव की मनोवृत्ति है कि जब वो खुश होता है, जब सुकून के क्षणों में प्रकृति के साथ तादात्म्यकरण स्थापित करता है, तो वो बहुत असीम शांति को प्राप्त करता है और हमारे मुंह से अनायास जो है खुशी में झूम के ऐसे ही शब्द जो है गान के रूप में फूट पड़ते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर वर्णन लेखिका ने यहाँ पे किया है। धन्यवाद।